Hi everyone and welcome back to my channel. Today's video is about the short tutorial about KineMaster, a video editing app. और इसमें हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से वीडियो को एडिट कर सकते हैं और इसके डिफरेंट फीचर्स जो हैं वो सीखेंगे. तो चलिए हम चलते हैं KineMaster ऐप की तरफ और उसको खोल के हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या सीखने को मिलेगा. जी ये KineMaster ओपन करें तो इस तरह से हमें दिखाई देता है. अच्छा ये जो है यहाँ पर जो है सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट न्यू पे और अपने प्रोजेक्ट्स को देखेंगे. अब ये देखें डिफरेंट हमारे पास रेशियोज हैं फोटो की डिस्प्ले करने की. ये सारी हमारे पास हैं डिफरेंट, आप इसके अंदर से सिलेक्ट कर सकते हैं. अमूमन यूट्यूब वीडियो के लिए हमारे पास 16:9 यूज होता है और इंस्टाग्राम वीडियोस वगैरह के लिए, आईजीटीवी के लिए 9:16 और बाकी अगर पोस्ट है तो 1:1. तो इस तरह से ये डिफरेंट जो है वो हमारे पास होती हैं रेशियोज. तो हम ये वाला सिलेक्ट करके नेक्स्ट जाएंगे. नेक्स्ट पे हम इसके अंदर से अपने पसंद का जो है वो मीडिया जो है वो सिलेक्ट करेंगे. कोई भी जो हमें हमने कोई अगर पिक्चर्स को करना है या किसी भी तरीके से करना है तो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे. और यहाँ पर हम ये सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, अगर हमने पिक्चर्स को आपस में ज्वाइन करना है तो यहाँ पर जितनी पिक्चर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी. ठीक हो गया. उसके बाद अगर हमने इनके ऊपर कोई इफेक्ट को अप्लाई करना है तो हम जो है वो ये जो लास्ट पे है इसको हम करेंगे तो हमारे पास ये वाली साइड से ग्राइडिंग टाइप का जो है वो आ जाएगा. और अगर हम दोनों पे सिलेक्ट करेंगे दूसरे को सिलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर भी करेंगे तो ये चीजें आ जाएंगी. अब अगर हमने इसके ऊपर लेयरिंग करनी है तो लेयरिंग के लिए ये लेयर्स का ऑप्शन है, ये जो मैंने खोला है इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है. मीडिया है, इफेक्ट है, स्टिकर है, कुछ भी. अगर हमने हैंड राइटिंग को सिलेक्ट किया तो हैंड राइटिंग से हम ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, ये अभी जो है वो मैं लिख रही हूँ कोई सिलेक्ट करके. तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं. अगर डिलीट करना है तो हम इस तरह से डिलीट कर देंगे. उसके अलावा अगर हमने कोई और इफेक्ट को ऐड करना है, बेसिक इफेक्ट है यानी ब्लर वाला है, तो इसके अंदर हम ये को सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास ब्लर इफेक्ट आ जाएगा. दूसरा सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा. तो डिलीट के ऑप्शन में जाके तो जब हमने वीडियो को चलाना है तो ये यहाँ से हम वीडियो को चलाएंगे तो हमारे पास ये जो पिक्चर्स हैं वो एक वीडियो की फॉर्म में एक चलना शुरू हो जाएंगे. तो उसके बाद जी हमारे पास जो है वो ये छोटा सा एक ट्यूटोरियल है जिसमें हमने सीखा कि हमने वीडियोस को किस तरह से ज्वाइन करना है, उसको इफेक्ट किस तरह डालने हैं. इस तरह से और ट्यूटोरियल को आप तक पहुंचाने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक जल्दी से पहुंच सकें. तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.